बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। दे एग्रीड टू रिमेन इन टच, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब कहेंगे लेट्स टॉक अगेन सून, कहा होगा बाइडेन ने। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इतना छोटे से दो रीड आउट्स हैं, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। और आपको पता है इस इवेंट का नाम रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। यानी इससे अंदाजा लगाओ इन लोगों का लेवल क्या है। खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। तो वो प्यूटिन से गप्पे लगा रहे थे तो जप्पी मार रहे थे, तो उधर से कॉल आ गई होगी। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। और अपने अपने पिच के ऊपर अपने पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश से हारा, ये भी नहीं कोई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो कुछ। यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसको सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान और परेशान भी है। और खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मोदी जी का अमेरिका का यह कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि मोदी जी का अमेरिका में जो कार्यक्रम है उसको देख करके काफ़ी हैरान है। जहाँ पे मोदी जी अमेरिका के अंदर जो समिट हो रहा है अगले महीने यानी सितंबर में, जिसका नाम है समिट फॉर फ्यूचर, इसके अंदर मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया को अभी तक ये नहीं पता लगा पाकिस्तान के पीएम को इनवाइट किया गया है या नहीं। उसी के साथ साथ मोदी जी का अमेरिका के अंदर ही एक विशाल इवेंट होने वाला है जिसके अंदर ऑलरेडी 24,000 भारतीयों ने शामिल होने के लिए अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और साथ ही साथ नोट करने वाली बात यह है कि इस इवेंट का नाम द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव नाम लग रहा है। और वैसे भी अब तक यह सिद्ध हो चुका है कि मोदी जी कहीं भी दूसरे देश में जाते हैं उस देश के लोगों के साथ, खासतौर से उस देश के अंदर जो भारतीय रहते हैं उनके और भारत के जो कल्चर है, संस्कृति है, रिश्ते हैं, उसमें और उभार ला देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। थैंक यू। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। तो देखिए इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। देखिए एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं, वो रशिया दोबारा जा रहे हैं, और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे। और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है,
लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और समिट को भी अटेंड करेंगे? क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त। टाइटल रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे उसकी डिप्लोमेसी से। जितना हम पहले बात कर रहे थे कि पड़ोस के अंदर राजनाथ साहब जो है वो अमेरिका के साथ ड्रोन्स और जेट, जो फाइटर जेट्स हैं उनके इंजन के लिए डीलें बना रहे हैं। ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G20 का लाहेमल तय करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। मेरा एक क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो, कुछ तरक्की की तरफ भी जा रहे हो, कुछ तालीम की तरफ भी तवज्जो है आपकी, सवाय ये कि ये इनविटेशन देने का क्या फायदा है जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं, तो एसईओ का जवाब क्या वहां से आएगा? हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की देखें कि मोदी साहब वापस लौट रहे थे पोलैंड से और जहाज जो उनका जहाज था एयरप्लेन वो 46 मिनट के लिए एयर स्पेस में रहा है और आपने शादियां बजाने शुरू कर दिए। देखे मोदी साहब आ गए, फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने जहाज से अंदर से खैर सगाली का पैगाम नहीं दिया है। तो भाई फोन उठा के बात कर लो, पड़ोसी है तुम्हारे साथ है यार, बिल्कुल बॉर्डर लगता है, अगर बात की जाती है तो आप ऐसे ऐसे आगे से सवाल रख देते हो जिस तरह बिल्कुल वो कहते हैं ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उस तरह के बहाने कर देते हैं आप। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमरीकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुटिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट।